लेकिन अभी तो हिंदुस्तानी भाव ने भी सेम मतलब ऐसे ही शहनाज के ऊपर कहा, उन्होंने वह शहनाज को टारगेट किया और उन्होंने शहनाज को कहा कि शहनाज में अभी काफी अकड़ आ चुका है और यू नो वो अभी बहुत ये घमंड कर रही हैं, वो घमंडी हो गई हैं। आपको लगता है कि एक शो के बाद इतनी चेंजेस आ सकते हैं क्या शहनाज? पहली बार शहनाज पहले ही पंजाब की सुपरस्टार थी, ठीक है, और उसके बाद वो बिग बॉस में आई, फिर उसके अगला शो किया एमएस के, उसके अंदर कोई घमंड नहीं आया। घमंड घमंड उन लोगों में आ चुका है जो लोग उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो आज रातों रात वर्ल्ड की स्टार बन चुकी है। उसका गाना एक हफ्ते में 45 मिलियन के पास पहुंच चुका है, और जो लोग उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको उनसे जलन है कि ये रातों रात स्टार कैसे बन चुकी है। मुझे तो ये लग रहा है नंबर वन ट्रेंडिंग में शहनाज ही चल रही है और उनको टेंशन हो चुकी है, तो उनको ये मेरा आंसर मिल जाएगा। ओके, और एक हैशटैग चल रहा है ट्विटर पे काफी ज्यादा अभी, लाइक हर कोई यू नो कमाल आर खान को और देबोलीना को ये दोनों को जोड़ के बना रहे हैं कमलीना। तो लोग पूछना चाह रहे कि इस पे आपका लाइक क्या कहना है ये हैशटैग पे। मैंने कसम से मैंने देखा ही नहीं है, ये हैशटैग ही नहीं देखा, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, क्योंकि घर का मैं सारा काम करता हूँ ना, ज्यादा सफाइयाँ कर रहा हूँ, तो ये ट्विटर पे मैं ज्यादा जाता नहीं, क्योंकि मुझे ट्विटर जल्दी समझ भी नहीं आता है। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है यहाँ पे यार, ये ट्वीट कहाँ पे आ रहा है, रीट्वीट कहाँ पे जा रहा है, मेरे को समझ नहीं आता सच में। तो मैंने ये सच में नहीं देखा। और आंचल भी काफी कुछ एलिगेशन लगा रही है शहनाज के बारे में, काफी उल्टा पुल्टा बोल रही है, तो लोग पूछ रहे हैं कि आंचल के ऊपर आपका क्या कहना है, क्योंकि वो भी अभी शो के बाद काफी सारी लाइक एलिगेशन लगाया उन्होंने भी यू नो इसके ऊपर शहनाज पर। आई थिंक सो, जो मैंने देखा था, जो आंचल ने बोला था कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका है, मैंने एक शायद उसका कहीं ट्वीट देखा था कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका है, तो ये जो भी है मैंने नहीं किया, ये लोगों ने किया, जिसने उसका हैक किया था शायद उन्होंने अपना अकाउंट रिकवर कर दिया। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ बोला, अगर मैं सही हूँ। ऑलराइट, जसलीन काफी कुछ जानना चाहती है वो प्यार से हैशटैग और क्या कुछ बातें कर रही हैं, तो चलो हम पहले जसलीन का ही सॉल्व करते हैं कि वो जो जो आपसे जानना चाहती है, जो जो क्वेश्चन तो पूछ रही है, पहले जसलीन की बातें कर लेते हैं। हाँ जी जसलीन जी बोलिए, आप ही पहले आ जाइए। तो वो आपसे पूछ रही थी सबसे पहले कि इसके बारे में बताइए, जो आपका प्यार हैशटैग की बातें चल रही थी, सो योर फेवरेट हैशटैग। वेरी 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 टफ क्वेश्चन। हैशटैग मेरे हिसाब से सारों में से अगर हैशटैग देखा जाए, पहले नंबर जो एज ए फ्रेंड जो मेरे को बहुत अच्छा लगा और लोगों ने भी उसको काफी पसंद किया, तो नो नो डेट वॉज क्वेश्चन फॉर मोनिका नॉट फॉर यू। ये क्या लिख रही है यार ये मोनिका, मुझे ना आज पूरा फंसा रहे हो यार, प्लीज ये तो मैं समझ चुका हूँ यार, ये आपसे उसने पूछा, मेरे से मत पूछो, थैंक यू आपने मुझे बताने के लिए। आप ही बताइए आपको कौन सा अच्छा लग रहा है हैशटैग। ओके वेल, मुझे तो सारे ही हैशटैग पसंद है। शुक्र है मैंने कुछ बोला नहीं, आप तो मुझे फंसा लिया था यार, अब बहुत तेज हो, मेरे को नीचे देखना पड़ेगा। आप बताइए आपका कौन सा फेवरेट है। बताया ना मैंने, जैसे कि अभी आपके कहा, अभी आपको कहा कि मुझे तो सारे ही पसंद है, लेकिन वेल नहीं, एक कैसे हो सकता है यार, सारे लोग अच्छे लगते हैं साथ में। जसलीन क्वेश्चन, वो बेचारी टेंशन में आ गई, वो लिखने में लगी हुई, क्या लिखूं अब। मतलब कि आप क्वेश्चन में सारों को फंसा लेते हैं, ये तो मैंने मान लिया आज। ओके, हाल ही में जसलीन का बर्थडे हुआ, क्या कुछ यू नो आपने सोचा था कि बर्थडे कैसे सरप्राइज करोगे या कुछ यू नो शॉक जसलीन के लिए करोगे, बट अनफॉर्चुनेटली क्वारंटाइन में कुछ कर नहीं पाया, क्या कुछ ऐसे प्लान था आपको का पहला? नहीं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, मैं अपना बर्थडे नहीं मनाता हूं यार। मेरे को अपना बर्थडे नहीं, मैं अपना बनाता हूं यार, मैं अपने बर्थडे पे छिप जाता हूं यार। हां ये देखो शहबाज आ गया, शहबाज आ गया बुर्रा, शहबाज भी नीचे आ गया, देखो मेरा भाई आ गया बुर्रा। तो मैंने अपना बर्थडे नहीं मनाया कभी, बस एक बर्थडे का विश किया था और एक मैंने पोस्ट डाला था, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ओके, सो शहबाज भी हमारे साथ जुड़ गए।